बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी स्थित ऋषि नगर में सास के साथ बहू द्वारा दुर्व्यवहार और मारपीट का वीडियो सामने आया, जिस पर संज्ञान लेते हुए महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने पीड़िता के घर का दौरा किया। साथ ही बुजुर्गों से विस्तार से बातचीत करते हुए मामले की जानकारी हासिल की और पुलिस को इस मामले में जांच करते हुए कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। मामले का संज्ञान लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने बताया कि पीड़ित बुजुर्ग दंपति द्वारा एसडीएम के पास पहले से ही शिकायत दी गई थी और वो चाहती हैं कि एसडीएम साहब इस बुजुर्ग दंपति को विशेष सुरक्षा प्रदान करवाएं। उन्होंने बताया कि महिला का व्यवहार बुजुर्ग दंपति के लिए खतरे की घंटी भी है, ऐसे में बुजुर्गों को पूरा संरक्षण मिलना चाहिए। वहीं बहू को भी चाहिए कि वो सास को माँ के रूप में देखे, क्योंकि ऐसी घटनाओं को देखकर अन्य लोगों पर भी बुरा असर पड़ सकता है, इसीलिए ऐसे मामलों को रोकना बेहद लाजमी है। इसके लिए उन्होंने पुलिस को जांच कर मामले पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। ये महिला बहू मोनिका भाग भाग कर आई और उसने अपनी सास के साथ जो बुरा व्यवहार किया, हाथापाई की, दरवाज़ा बार बार पीटना, बंद करके अंदर उसे मारना, और कुछ देर दरवाज़ा खुला है 2-4-5 सेकंड का, उसमें मारते हुए भी पलंग पर लेटा कर हाथ चलाते हुए भी दिखता है। ये बहुत ही बैड बिहेवियर है। आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, मैं सभी बुज़ुर्गों को कहूँगी कि अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस से, एसडीएम ऑफिस से, जहाँ भी आपको कॉन्टैक्ट करना है, हमसे करना है, करें। और मैं सभी बेटियों को कहूँगी कि अपने सास ससुर को अपनी माँ बाप की तरह इज्जत करें। यदि उन्होंने लाइट बंद की थी तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटा था। वो प्यार से कह देती कि मम्मा लाइट मत बंद करिए, वहाँ पर बेटी सोई है। इस चीज़ को ऐसे भी निपटाया जा सकता था, परंतु यहाँ आने के बाद, माता पिता से बात करने के बाद जो पता लगा कि इसका बिहेवियर कई बार इस तरह से रहा है, और इसका पुराना रिकॉर्ड पानीपत में भी इस तरह से लड़ाई कर रहा है, जिसको हम निकलवा रहे हैं, लेकिन सास ने ये कहा कई बार 112 पे कॉल करके, और इस तरह की लड़ाई आई। मोहल्ले के एक दो लोग हमारे पास बात करने के लिए आए, एक बुज़ुर्ग भी आई जो बयान देने को भी तैयार है। इसी तरीके से ये महिला अपने सास ससुर के लिए एक खतरे की घंटी भी है, जो हमने उसका बिहेवियर हमारे सामने, पुलिस के अधिकारियों के सामने भी देखा। तो मैं एसडीएम महोदय को निवेदन करती हूँ कि इस बुज़ुर्ग दंपति का विशेष तौर पर प्रोटेक्शन किया जाए, ख्याल किया जाए, और इस लड़की को जो उसने 112 के माध्यम से मांगा था कि मुझे थर्ड फ्लोर पे या सेकंड जो भी फ्लोर है उस पे अलग से रहने को स्थान दिया जाए, वो ऑर्डर्स वहाँ से भी पास हुए, मैं भी उन ऑर्डर्स को सहमति देती हूँ। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बुजुर्ग महिला ने ड्राइंग रूम की लाइट बंद कर दी थी, जिस पर उसकी पोती ने माँ को शिकायत की। इस पर माँ ने भड़कते हुए अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार किया। वहीं सास ने बताया कि काफी समय से उनकी बहू उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर इसे अपना पोर्शन अलग मांगा था, तो इसको हमने दे दिया था। तब भी इसने 112 नंबर पे फोन करके कहा था कि मुझे ऊपर का पोर्शन चाहिए, तो 1 रूम सेट हमने इसको दे दिया था, जो इसने मांगा था। तो ये काफी समय से दुर्व्यवहार कर रही थी हमारे साथ, तो बहुत बहुत तेज तेज बोलती थी, बंदा उत्तेजित हो जाता है कई बार, नहीं तो ये क्या करती थी, फिर सामान फेंकना शुरू कर देती थी, सामान तोड़ती थी। उसमें इसने एक कूलर भी तोड़ा, 2-3 मोबाइल भी तोड़े, एक मिक्सी भी तोड़ी और 2 कुर्सियाँ भी तोड़ी। तो पहले सामान फेंकती थी, फिर हमारे ऊपर कोशिश करती थी डराने की, मारने की। तो एक दो बार इसने हाथ भी चलाए, जैसे ऐसे ऐसे पेट में घुसे उसे ऐसी। हम लोग सब सहन करते हैं, अभी कोई बात नहीं, बच्चा है, ये है वो है। तो ऐसे 1.5 साल से ही ऐसा होता आ रहा था। तो हमने इसके मम्मी पापा को 20 फ़ोन करे। शुरू में तो वो एक दो बार आए, इसको समझा के चले जाते थे, लेकिन उसके बाद तो वो कहते थे हम क्या करें। वो कभी नहीं आए। हमने अपनी बिरादरी से भी बतेरे फ़ोन करवाए और अपने रिश्तेदारों से भी करवाए, लेकिन उन्होंने कभी आने की ज़रूरत नहीं समझी। वहीं जब मामले को लेकर बहू से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर मारपीट से मना कर दिया और अपनी सास पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो बेटी को पढ़ने नहीं देती हैं। मोनिका जी, एक वीडियो वायरल हो रही है, सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें कुछ चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं और आपके ऊपर आरोप है कि भाई आपने अपनी सास को पीटा। सर, मैंने को अपनी सास को बिल्कुल नहीं पीटा। मेरी बेटी को रोज़ परेशान करते हैं, वो पढ़ती है, उसकी लाइटें बंद कर देते हैं,
और परसों भी ऐसे हुआ, इन्होंने लाइट बंद कर दी, जिसकी वजह से मैंने लाइट जलाई और मैंने कहा आप उनको लेटाया, मैंने धक्का नहीं मारा, मैंने लेटाया कि आपको लाइट बंद कर, आपकी मैं लाइट बंद करती, दरवाज़ा भी मैंने बंद करा कि आप आराम से सो, मेरे बच्चों और हमें परेशान ना करो। और 1.5 साल पहले भी मैंने यहाँ पर पुलिस चौकी में कंप्लेंट कर रखी है, ये मेरे, इन्होंने मेरे पापा को फ़ोन करके वो कंप्लेंट दबवा दी गई है, पहले कंप्लेंट मैंने करी है, इन्होंने तो कल करी है। और परसों कह रहे थी कि मेरे ना गला दबाया, सास ने कह रही थी मेरे पापा हस्बैंड कमरे के अंदर आप जाते नजर आ रहे हैं, उसके बाद आप लाइट बंद होती नजर आ रही है, दरवाजा बंद होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ तो वो मेरा बच्चा रो रहा था ना, इसलिए बुलाया कि आराम से शांति से बात करती हूँ, मैंने मारा नहीं है सर। चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है उसके अंदर कमरे से? नहीं, कोई चिल्लाने की आवाज़ें नहीं आ रही है सर, चिल्लाने की आवाज़ें मेरे बच्चों की आ रही है बाहर से, उसमें वीडियो में देखो सर, आप चेक करो, मेरे बच्चों को रोज, बड़ी वाली बेटी मेरी, मेरी दूसरी शादी है, मेरी बेटी उस वीडियो में भी बोल रही है कि हमारी औलाद नहीं है, ये तेरी औलाद है, हमेशा ही मेरे बच्चे के साथ फ़र्क किया जाता है। और कंप्लेंट मैंने थाने में पहले करी है 1.5 साल पहले, 3 साल नौकरी करती थी, नौकरी करने के बाद जब मैंने छोड़ा, मैं यहाँ रहने लगी, तो मेरे को 3 महीने के अंदर मेरे को एंग्जाइटी डिप्रेशन हो गया, मुझे रोज़ पड़तारित ये करते थे कि तुम हमारा पेंशन खा रहे हो, हमारा पैसा खा रहे हो, सब कुछ तुम हमारा खा रहे हो। मेरी सास ने मुझे इतना टॉर्चर करा, 3 महीने मैंने बैठ के रोटी खिलाई, 4th महीने कहती मैं खुद खाऊंगी, सर आप बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने मारा नहीं है, मैंने ऐसे धक्का भी नहीं मारा, मैंने ऐसे पकड़ के लेटाया है कि आप लेटो, लाइट बंद करती हूँ और आपका दरवाजा मैंने ही बुलाया सर, इसलिए बुलाया कि आप अपना शांति से रहो और हमें भी शांति से रहने दो। वहीं चावला कॉलोनी स्थित पुलिस स्टेशन के हवलदार ने बताया कि उन्हें पीड़िता से लिखित शिकायत मिल चुकी है, जिस पर पूरी तरह से जांच की जाएगी और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वो हमें शिकायत प्राप्त हो चुकी है और बात जांच जैसी सूरत होगी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या मामला है? वो वीडियो वायरल हुई है, उसमें मारपीट हुई, जांच करी जा रही है और बात जा जैसी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाई। मामला है कहाँ का सर और किस इलाके का है ये? ये ऋषि नगर चावला कॉलोनी का मामला है। शिकायत में क्या मिला है आपको? शिकायत में तो यही है भाई, क्या लड़ाई झगड़े बारे प्राप्त हुई है हमें, तो बहू ने ही मारा है साहब को, अभी देखते हैं वीडियो में तो यही है, बाकी जाँच चल रही है उसकी। पीड़ित की तरफ से कोई शिकायत दी गई है? पीड़ित की तरफ से शिकायत प्राप्त हो चुकी है हमें। आपको बता दें कि वीडियो में पीड़ित बुजुर्ग दंपति द्वारा एसडीएम के पास पहले से ही शिकायत दी गई थी और वो चाहती हैं कि एसडीएम साहब इस बुजुर्ग दंपति को विशेष सुरक्षा प्रदान करवाएं। बुजुर्ग महिला ने ड्राइंग रूम की लाइट बंद कर दी थी, जिस पर उसकी पोती ने मां को शिकायत की। इस पर मां ने भड़कते हुए अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार किया और उसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, जिसके बाद वो दोबारा कमरे में गई और बुजुर्ग को बेड पर लिटाकर मारपीट की। वहीं अब मामले को संज्ञान में लेते हुए रेणु भाटिया ने कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। फरीदाबाद से अनिल राठी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।